जनपदीय मुजफ्फरनगर में पुलिस का भ्रमण व निरीक्षण बदस्तूर जारी। थाना पुलिस भी लगातार भीड़भाड़ वाले इलाकों व बाजारों में निगरानी किए हुए हैं। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के कुशल नेतृत्व में त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु जनपदीय थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के मुख्य स्थानों का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल व RRF पुलिस बल को चेक किया गया। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं अपराध की रोकथाम व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल के साथ RRF पुलिस बल को ब्रीफ किया गया तथा बाजारों व चौराहों भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया। इसी श्रृंखला में खतौली थाना पुलिस भी नगर में पुलिस बल के साथ भ्रमण पर दिखाई दी तो वही धार्मिक स्थलों के आसपास भी पुलिस चौकन्नी रही। आगामी त्योहारों को लेकर किस तरह के व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? जैसे आप की देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से ही जागरूक हो जाते हैं, लगातार हमारे पास RAF है, PAC है, उसको साथ लेके अलग अलग टुकड़ियों में हम लोग मोबाइल हैं और उनको आप देख रहे हैं कि पैदल मार्च भी कराया जा रहा है। रास्ते में मार्केट एरिया वगैरह है, वहाँ पे अलग अलग फोर्स महिला पुलिस कर्मी और हमारे सब इंस्पेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। पटाखों पर इस बार बैन लगाया गया है, किस तरह की छापेमारी की जा रही है? नहीं, जहाँ जहाँ पे कल भी हम लोगों ने, मैंने और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्लस लोकल पुलिस ने साथ में मिलके जो लाइसेंस दारान दुकानें थी उनको भी चेक किया था। इसके अलावा अगर कहीं पे अवैध पटाखों के बारे में कोई सूचना होती है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जनपद वासियों किस तरह की अपील की जाएगी सर? नहीं, देखिए जनपद वासियों से सभी से अपील है कि अपना त्यौहार है, त्यौहार को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाएंगे, भाईचारे से मनाएंगे। किसी भी तरीके से शांति भंग होने के लिए अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो उसको अपने आप किसी कानून को हाथ में ना लेके पुलिस को सूचित करेंगे।